Assalamu alaikum. My dear friends, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear friends, chemistry 10th class, chapter number 11 हमने start किया हुआ है. Lesson number 44 पढ़ेंगे जी आज. और आज का टॉपिक हम प्लांट्स और के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट से आप कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस तरीके से गेन कर सकते हैं और बताएंगे जी सिंथेसिस इन द लैब के लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के बारे में क्या हिस्ट्री है. और साथ में चैप्टर नंबर 9 के आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जी. आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 करने की कोशिश करेंगे. अगर टाइम बाय चांस सेव ना हुआ तो हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल करेंगे. अगर टाइम बच गया तो हम साथ में सेकंड न्यूमेरिकल भी कर लेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि प्लांट से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस किस तरीके से गेन कर सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके प्लांट्स हैं जिन्हें खास स्पेशली हम बात करें जी आज लिविंग प्लांट्स की. लिविंग प्लांट्स लॉट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जी. मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो. ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, लिविंग प्लांट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और हम आपको 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं जी. एक मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम है जी कार्बोहाइड्रेट, एक का नाम है जी प्रोटीन, एक का नाम है जी ऑयल एंड लास्ट वन इज विटामिंस. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कैसे गेन करेंगे जी. माय डियर स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये आपका बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट क्या होता है जी? ग्लूकोज, एज एन2 भी आ सकता है जी. एंड प्लांट सिंथिसाइज ग्लूकोज. ये जो प्लांट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके प्लांट्स ग्लूकोज को सिंथिसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो आपके प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं जी. ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है जी, तो प्लांट्स क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, जो ग्लूकोज है बाद उसके बाद ग्लूकोज पॉलीमराइज होता है. ग्लूकोज मुख्तलिफ तरीकों से आपस में जुड़ते हैं, अटैच होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बना देते हैं, जैसे सुक्रोज बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं, सेलुलोज बना देते हैं. सुक्रोज शुगर में होता है, चीनी में होता है, सेलुलोज पेपर में होता है और स्टार्च पोटैटो वगैरह में होता है जी. अब नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स आपको बहुत बड़ा सोर्स है जी प्लांट्स. पल्सेस एंड बीन्स माय डियर स्टूडेंट, पल्सेस और बीन्स से आप प्रोटीन गेन कर सकते हैं. पल्सेस दालें होती हैं और बीन्स दाने होते हैं जी. ठीक है जी, जैसे कि पी हो गए, ठीक है जी, ग्राम्स हो गए. माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. जब नाइट्रोजन फिक्स होती है तो प्रोटीन तैयार हो जाती है जी. और नाइट्रोजन कौन फिक्स करेगा जी? नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिक्स करेंगे. और बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं जी? ये रूट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं. प्लांट के रूट्स के अंदर स्पेशली कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या बना देते हैं जी? प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. और ये प्रोटीन्स होते हैं कहाँ पे प्लांट्स में? पल्सेस और बीन्स के अंदर होती है. माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं हम ऑयल्स की. ऑयल्स का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो सीड ऑफ प्लांट्स होते हैं जी. प्लांट्स के सीड्स के अंदर ऑयल्स मौजूद होते हैं. फिर आप उन्हें कंप्रेस करके, ठीक है जी, आप उनको प्रेशराइज करके, उनको प्रेशर डाल के उनके ऊपर क्या करते हैं जी? माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. जैसे जी सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल निकलाएगा, रैपसीड ऑयल से रैपसीड ऑयल निकलाएगा, पाम सीड से पाम ऑयल निकलाएगा, कोकोनट सीड से कोकोनट ऑयल निकलाएगा और ग्राउंडनट सीड से ग्राउंडनट ऑयल निकलाएगा. ओके जी, और एट द एंड ऑफ द टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, आप आ जाइएगा विटामिंस पे. विटामिंस का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एप्पल्स और सिट्रस फ्रूट्स हैं जी. जितने आपके एप्पल्स में और सिट्रस फ्रूट्स में माय डियर स्टूडेंट्स विटामिंस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए. ठीक है जी, और माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिसाइड्स दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अलावा जिनमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल और विटामिंस की बात की है, इसके अलावा प्लांट्स में गम्स, रबर और मेडिसन्स, ये माय डियर स्टूडेंट्स ये जो तीन चीज़ें हैं
ये भी आप प्लांट से ही गेन करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली जो डिजीज जो मेडिसिन है माय डियर फ्रेंड, जिसे कोनिन कहते हैं, वो भी प्लांट से हासिल होती है, ठीक है जी। रबर, गम्स, ये भी कहाँ से हासिल होते हैं, भी प्लांट से हासिल होते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ा कि हमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट से किन किन हिस्सों से गेन कर सकते हैं, ओके जी। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स से किन हिस्सों से गेन कर सकते हैं, प्रोटीन्स प्लांट्स से किन हिस्सों से गेन करते हैं, ऑयल हमें कहाँ से गेन होगा प्लांट से, और विटामिन हम कैसे गेन करेंगे। इसके अलावा अगर हमने मेडिसन, रबर और गम्स गेन करने हैं तो हम प्लांट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स का टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब के अंदर कैसे तैयार हुए जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा टॉपिक है सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी, कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ हिस्ट्री लेते हैं जी। 200 ईयर्स अगो साइंटिस्ट यही समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल हैज अ वाइटल फोर्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वाइटल फोर्स होती है विच इज असेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। माय डियर फ्रेंड, ये हिस्ट्री है जी। 200 ईयर अगो साइंटिस्ट ये बात को मानने के लिए तैयार थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक फोर्स होते हैं जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, और ये वाइटल फोर्स बहुत एसेंशियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ क्या, 1828 के अंदर F.M. वोलर एक साइंटिस्ट है जी, इन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, यूरिया का फॉर्मूला होता है जी NH2CO NH2। कहाँ तैयार किया जी, देखिए लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर दिया। जब लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर हो गया तो साइंटिस्ट को एक नया डिसिप्लिन मिल गया, एक नई ब्रांच मिल गई, एक ह्यूज स्कोप मिल गया केमिस्ट्री के अंदर। उस ह्यूज स्कोप के रिजल्ट में अब टिल नाउ 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हर ईयर्स में माय डियर स्टूडेंट्स न्यू प्रिपेयर किए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेंज है जी, ये बहुत सिंपल से स्टार्ट होते हैं और वेरी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स मीन कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ह्यूज मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और अब मैं आपको कुछ सोर्सेज बताता हूँ जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जी, आपने ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड तौर पर काम करेंगे जी। ये ड्रग्स तैयार की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेडिसिन तैयार की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंस, स्मेल पैदा की गई जी, फ्लेवर्स पैदा किए गए, जायके पैदा किए गए, ठीक है, खुशबू पैदा की गई, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जी। प्लास्टिक बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेंट्स बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड, फाइबर सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबर बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉस्मेटिक्स बनाए गए जी, खूबसूरती की चीज़ें ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने चीज़ें जी। इसके अलावा टॉयलेटरी, माय डियर, टॉयलेट में इस्तेमाल होने चीज़ें सारी बनाई गई टॉयलेट में, सारी क्या हैं जी, ऑर्गेनिक। डिटर्जेंट्स बनाए गए, सब क्या हैं जी, ऑर्गेनिक। इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्ट्स को किल करने की मेडिसिन बनाई गई, क्या है जी, ऑर्गेनिक। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने वाली मेडिसिन बनाई गई, सब क्या है जी, ऑर्गेनिक। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो गए, जिससे डिसिप्लिन बहुत वास्ट हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं जी, हम चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 1 करेंगे जी। बड़ा आसान सा रिएक्शन है जी। कहता फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला याद कर लेना है जी, लिखा होगा N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो डिकम्पोज हो गए, दो गैसें बना रही है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना रही है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कहते हैं ये रिएक्शन से लिख दिया, देखें जी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ने नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बनाई है, ये टू बैलेंस कर रहे हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसकी कंसंट्रेशन से बता दिए जी। 1.1 ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की है, 3.90 ये माय डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन की है, और 1.95 ये ऑक्सीजन की है जी, रिस्पेक्टिवली होता है फर्स्ट का आंसर फर्स्ट, सेकंड का आंसर सेकंड, और थर्ड का आंसर थर्ड। कहते बताइए इस रिएक्शन का केसी वॉल्यूम कीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कीजिए। तो
लेट्स स्टार्ट, इसका आंसर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो हमें गिवन की है। समय कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बताई थी, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस बताई थी, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बताई थी। इस रिएक्शन का कैसे लिखेंगे जी, कैसे कैसे लिखते हैं जी, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे। और माय डियर सर, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रेज टू पावर बन जाते हैं। तो ये भी 2 रेज टू पावर बन गया और ये 2 भी रेज टू पावर बन गया। वैल्यू पुट करेंगे जी, वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा जी 1/1 का स्केल ले लेंगे। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल फिनिश। आसान सा न्यूमेरिकल है जी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर्स का यूनिट है केसी का। ठीक है जी, कोई मुश्किल, बहुत इजी न्यूमेरिकल था जी। आइए जी, इस तरह का एक और छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और आज की बात खत्म करते हैं जी। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं जी, चैप्टर 9 का आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है जी, डिकम्पोज हो रही है और क्या बना रही है, दो गैसेस बना रही है, हाइड्रोजन गैस और आयोडाइड गैस बना रही है। कहते बताइए कि अगर इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये हो हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन गैस, इन दोनों को उसने फिक्स कर दिया जी, दोनों को सेम कर दिया 0.001 मोल पर डीएम ग्रुप। तो कहता बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पे उसने रिएक्शन नहीं दिया माय डियर फ्रेंड, यहाँ इसका रिएक्शन आप खुद लिखेंगे, रिएक्शन उसने यहाँ पे नहीं दिया। आंसर करते हैं जिसका, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेंगे, फिर उसका रिएक्शन हम खुद लिखेंगे। देखें कैसे लिखेंगे जी, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रही है, तो मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज कर दिया और क्या बना रहा था जी, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बन रही थी। ठीक है, तो मैंने दोनों गैसेस को लिख लिया। माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे H2 था, बैलेंस में यहाँ पे 2 आया है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे जी, कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे और रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे। वैल्यू पुट कर देंगे जी, ये दोनों वैल्यू सेम है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू सेम थी जी, यहाँ लिखा था सर सेम। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू पुट कर देंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा, इसको स्केल लेके ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों आंसर को आपस में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.019 केसी, जो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यही हमने फाइंड करना था जी। माय डियर सर, मुझे उम्मीद है आज के दोनों न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गए होंगे। आइए अब आपको टास्क ऑफ द टुडे बताते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टास्क ऑफ टुडे आसान है जी आज की, प्लांट का टॉपिक पढ़ा था हमने, तो आपने प्लांट के सोर्स बताने हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन तौर पर कीजिएगा इसको। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर सेंसेस पढ़े थे हमने, इसे भी ऐसे लॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर 9 के अंदर 2 न्यूमेरिकल के हैं, इनको सोल्व कर लीजिएगा जी। आज का काम बहुत शॉर्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।